वेलकम टू रेनॉल्ड किचन। आज हम बनाएंगे बेसन की पपड़ी जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आधा कप उड़द की दाल जिसे 2 घंटे पहले भिगो लिया था और 3-4 लहसुन की कली डालकर पीस लिया है। अब लेंगे हम एक बड़ा बर्तन जिसमें हम 1.5 कप बेसन डालेंगे और जो दाल हमने पीसी हुई है उसकी पेस्ट इसमें मिला देंगे। दाल मिलाने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच ही अजवाइन लिए जिसे हमने क्रश करके डाला है। मोयन के लिए 3-4 चम्मच ऑयल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छी तरह मिला लेंगे। 1 या 2 टेबल स्पून पानी डालकर अच्छा सा डो बना लेंगे। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथ को चिकना कर लेंगे और आटे में लगाकर अच्छी तरह मल के 10 मिनट के लिए ढाँक के रख देंगे। 10 मिनट हो गए, अब हम आटे को थोड़ा सा और गूँथ लेंगे और इसकी लोई बनाएंगे। लोई को इस तरह बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे आटे को और चिकना करके इस तरह बेल करके नाइफ से छोटे छोटे पीस कर लेंगे। काटने के बाद सभी लोई को गोल शेप दे देंगे। लोई को उठाकर सूखे आटे में लगाकर बेलेंगे। बहुत पतला भी नहीं और ना ही बहुत मोटा करना है, मीडियम शेप में बेलना है। और फोक की सहायता से इसमें थोड़ा होल कर देंगे। इसी तरह सभी पपड़ी बेलकर तैयार कर लेंगे। गैस पर तेल गरम करने रख दिया है। ये हमारी पपड़ी भी बिल्कुल सब तैयार हो गई है। तेल हमारा मीडियम गरम हो गया है, अब हम पपड़ी सेकने के लिए डालेंगे। गैस को मीडियम ही रखना है और धीरे धीरे अलट पलटते हुए सभी पपड़ी सेकते जाएंगे। देखिए पपड़ी एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह एक एक करके सभी पपड़ी सेकते जाएंगे और तेल से निकालते जाएंगे। सभी पपड़ी सेक चुकी हैं, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं सभी पपड़ी। हमारी सर्व करने के लिए तैयार हैं। इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, इससे और भी टेस्टी लगती है। इसे आप फेस्टिवल में बना सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं। ये पपड़ी 15 दिन तक ख़राब भी नहीं होती हैं, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। Thank you. Please like, share and subscribe my channel.